बात झारखंड के खरसावा की कर लेते हैं। वहां जो भी हुआ वो बहुत चिंता का मामला है। मॉब लिंचिंग हुई है और एक युवक की मौत हो गई है। इसमें मॉब लिंचिंग के इस मामले का कनेक्शन सीधा जुड़ रहा है जय श्री राम के नारे से। चोरी के शक में एक 24 साल के युवक तब्रेज अंसारी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। भारतीय होने पर शर्म आती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि एक नौजवान को सिर्फ इसलिए शिकार बना दिया गया कि उसके ऊपर चोरी का शक था। कानून पर किसी का कोई विश्वास नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से 24 साल के युवक तब्रेज अंसारी को किस तरह से पीटा जा रहा है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वहां जमा भीड़ को जरा भी रहम नहीं आ रहा। डंडों से पीटता युवक तब्रेज अंसारी है। भीड़ ने उसे इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। भारतीय होने पर शर्म आती है जब इस तरह की वारदात सामने आती है। तब्रेज के एक संबंधी ने कहा है कि कथित चोरी की वजह से नहीं बल्कि उसकी हत्या सांप्रदायिक कारणों से हुई है। आप तस्वीरों में एक बार फिर देख सकते हैं किस तरह से तब्रेज अंसारी को पीटा जा रहा है और वो दया की भीख मांग रहा है। झारखंड के सरायकेला खरसावा में भीड़ की हिंसा का मामला सामने आया है, जहां धाकती डीह में बाइक चोरी होने के शक में एक युवक तब्रेज अंसारी को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में उसके अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने तब्रेज को कैद में रखा था। रविवार को उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे जमशेदपुर स्थित टाटा मैन हॉस्पिटल रेफर कर दिया और यहां लाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए। तब्रेज के एक संबंधी ने कहा कि कथित चोरी की वजह से नहीं बल्कि उसकी हत्या सांप्रदायिक कारणों से हुई है। उसे जय श्री राम और जय हनुमान जैसे नारे लगाने को मजबूर किया गया। उन्होंने कहा तब्रेज की पिटाई की और बाद में उसे पुलिस को दिया गया। उन्हें चोरी का संदेह था, लेकिन यह एक सांप्रदायिक हमला था। उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि उसका मुस्लिम नाम था। उन्होंने उसे बार बार जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगवाया। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन जो जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। मृतक की पत्नी शाहिता की शिकायत के बाद पप्पू मंडल वाहिनी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी पप्पू और उसके साथी लापता हैं। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने तब्रेज के इलाज को लेकर मांगे नहीं मानी और उसे मरने दिया। जमशेदपुर से आ रहे थे, मुस्लिम होने के नाते उनको बहुत बेरहमी से मारा गया, और मेरा कोई भी नहीं है, मेरे सास भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, मेरे देवर भी नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा सोहर ही मेरा सहारा था, कि किसके सहारे दिए हैं, उनको इंसाफ चाहिए। थाना प्रभारी अविनाश कुमार पर भी रफा दफा करने का आरोप लगा है। परिवार का ये दावा है कि पुलिस ने भी तब्रेज को हवालात में बंद रखा, उसकी हालत गंभीर थी। पूरी घटना में पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। अकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल ला के भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जाँच करवाई, जहाँ तक वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा, और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो इंसान को हिलाकर रख देती है, जो सीधा उनके दिल और दिमाग पर असर करती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई की कहावत सिद्ध होती है, लेकिन यहां पर ये कहावत जुटला दी गई है।